अगर हमें आगे बढ़ना है तो अखिलेश जी की जो नीतियाँ हैं मुझे योगी जी से ज़्यादा बेहतर लगती हैं, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में अखिलेश जी ने जो पिछली सरकार में काम किए थे उससे बेहतर काम करके देंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। जो विधायक अगर स्वयं चाहे तो ये योजनाएं आ सकती हैं। सरकार हर विधानसभा में फैक्ट्री दे पाए ये संभव नहीं, लेकिन विधायक अगर स्वयं प्रयास करें तो 100% अपनी अपनी विधानसभाओं में फैक्ट्रियाँ ला के रोजगार दे सकते हैं, और तमाम तरीके हैं रोजगार देने के। एक विधायक के मन में चाहत होनी चाहिए, मेरे अंदर ये पीड़ा है, मैं देखता हूँ क्षेत्र के बच्चों के पढ़े लिखे हैं, 5,000-7,000 की नौकरी के लिए चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में भटकते हैं। मैं चाहता हूं कि उन्हें 10,000-20,000 की नौकरी यहीं अपने क्षेत्र में मिले और शाम को अपने परिवार के साथ मजे से दो रोटी खाएं और चैन से सोएं। मेरे पास है योजनाएं, मैं हर थाने स्तर पे, हर ब्लॉक स्तर पे एक समन्वय कमेटी जिसमें सभी वर्ग के लोग, टीचर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पढ़े लिखे नौजवान, उनकी एक कमेटी बनाऊंगा जो मौके पे ही लोगों के विवाद का निस्तारण करेंगे, दो लोगों को विवाद थाने पे जाने से रोकेंगे, कोर्ट कचहरी में से जाने से रोकेंगे, और उन्हें बताएंगे कि अगर आज आपका बेटा ये विवाद करके एक मुकदमा लिख गया, दो मुकदमा लिख गया, तो कल इसी का आपके बेटे को ना तो कोई पुलिस लाइसेंस मिलेगा, ना ठेकेदारी के लिए लाइसेंस मिलेगा, ना इसे कहीं नौकरी मिलेगी, इसे जीवन में आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे जिस दिन पे दो मुकदमे लिख जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन ओपिनियन और हमारे खास कार्यक्रम कौन बनेगा एमएलए में हम लगातार आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उन दावेदारों से, उन नेताओं से, उन समाज सेवियों से जो राजनीति के धरातल पर तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और किसी भी पार्टी से वो जुड़े हुए हैं, जिन दलों से वो जुड़े हुए हैं उन दलों की नीतियों के साथ जुड़कर वो समाज सेवा की बातें कह रहे हैं, और अब वो दावेदार के तौर पर, प्रत्याशी के तौर पर मैदान में सामने आ रहे हैं। चुनाव आयोग ने आचार संहिता भी लागू कर दी है, और इस बार मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो अपनी बात रखने का एक प्रभावी माध्यम है, क्योंकि जनसंपर्क और चुनावी मीटिंग्स पे रोक भी लगा रखी है आयोग ने। इसी क्रम में आज हम मौजूद हैं उत्तम लोधी जी के साथ, जो कि उन्नाव जनपद से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और पुरवा विधानसभा क्षेत्र में कई वर्षों से आप एक समाजसेवी के तौर पर काम कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि उत्तम लोधी जी अपने आप को एक नेता के रूप में, एक प्रत्याशी के रूप में सामने रख रहे हैं समाजवादी पार्टी से, तो इनका व्यक्तित्व, इनके बारे में तमाम वो जानकारी जो आप बतौर मतदाता, बतौर आम जनता आप जानना चाहेंगे, वो लोधी जी हमें बताएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तम जी द इंडियन ओपिनियन में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें जनता को, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपके माता पिता, और उन्नाव से जो आपका जुड़ाव है, ख़ासतौर पर आपकी जो विधानसभा है वहाँ पर जो आपका सामाजिक योगदान है। देखिए, मैं लखनऊ में पैदा हुआ और मेरी शिक्षा भी लखनऊ में हुई, और मेरी जो शिक्षा है मैं एमकॉम एलएलबी हूँ, और लखनऊ में ही वकालत के पेशा से जुड़ा हूँ, साथ में रियल इस्टेट से भी जुड़ा रहा हूँ। मेरा जीवन शुरुआत का बहुत ही संघर्षों भरा रहा है, बहुत ही, मेरे पिता टेलीफोन विभाग में यहीं लखनऊ में सर्विस करते थे और क्लर्क की जॉब पे भी थे, तो तमाम परेशानियाँ जीवन में जो एक मिडिल क्लास झेलता है मैंने भी झेली हैं, और उन्हीं परिस्थितियों से गुजरते हुए अपने आप को स्टैंड करते हुए बिजनेस के क्षेत्र में मैं अपने आप को आगे ले गया, और बहुत ही ईमानदारी से अपने काम को अंजाम देता रहा हूं। 54 साल की उम्र है मेरी, इस उम्र तक आते आते अभी ना मैंने कोई सिविल का मुकदमा लड़ा, ना मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल मुकदमा है, मैं बिल्कुल आपराधिक और किसी भी सामाजिक कुरीतियों से बचा हुआ व्यक्ति था। इसी दरमियान जब समाज में कुछ आगे बढ़ा तो तमाम समाज के नेताओं, अन्य राजनीतिक दलों के तमाम नेताओं के संपर्क मुझसे बने, तो इसी संपर्क में हमारे जो बड़े परम आदरणीय बड़े भाई की तरह थे, रायबरेली से विधायक थे श्री गणेश लोधी जी, वो अक्सर मुझसे कहते थे कि भाई आपने धन कमा लिया, घर बना लिया, गाड़ी ले ली, अब स्टेटस मिल गया, सब आपके ही काम तो आता है, आपके बच्चों का काम आता है, समाज को भी तो कुछ देने की जिम्मेदारी है आपकी। उनकी बातों से प्रेरणा लेकर मैंने राजनीति में कदम रखा था, और ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि जब 17 का चुनाव में लड़ने जा रहा था और मेरा उनका टिकट दोनों लोगों का फाइनल था, अचानक चुनाव से पूर्व हमारे आदरणीय श्री गणेश लोधी जी हम सबके बीच नहीं रहे,
तो अगर उनके मार्गदर्शन में मैंने चुनाव लड़ा 17 का, और ऐतिहासिक चुनाव लड़ा, मैं जनरल रहा, जीता नहीं चुनाव, लेकिन चुनाव हारने के बाद मेरी ये उपलब्धि है कि 5 साल अपनी विधानसभा के एक एक कार्यकर्ता, एक एक वोटर से जुड़ा रहा और उनके सम्मान की रक्षा के लिए हमेशा लड़ता रहा। चाहे कोरोना काल रहा हो, उस कोरोना काल में मैंने पूरी ईमानदारी से एक एक परिवार से जुड़कर उनकी सहायता की, जो मुझसे बन पड़ा। जब कोरोना काल में कोई भी नेता अपने घर से बाहर खिड़की से झांकने से भी डर रहा था, तो मैं अपनी विधानसभा में कई बार ऐसा समय भी आया कि मैं मोटरसाइकिल से पूरी विधानसभा घुमा हूँ, लोगों को दवाएं, लोगों को मास्क, खाने की सामग्री, और उनके बच्चे जो इधर उधर फंस गए थे, तो चूंकि मैं अखिल भारतीय लोधी महासभा का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, इसलिए मेरे लिंक्स पूरे देश में हैं, तो जहाँ जिस स्टेट में भी हमारा कोई व्यक्ति फंसा हमारी विधानसभा को, उसको वहीं पर हर तरह की सहायता पहुँचाने का काम किया। मेरी सेवा और मेरी सहायता से मेरी विधानसभा के लोग बहुत प्रसन्न हैं, और निश्चित तौर पर आने वाला समय मेरे लिए बहुत ही शुभ और अच्छा रहेगा। देखिए, एक बात बताई है आपने कि काफ़ी उम्र हो गई आपकी, और अब आप 50 की उम्र पार कर चुके हैं, लगभग 54 वर्ष की आयु आपकी है, और एक बड़ी उपलब्धि है कि अभी तक जो जीवन है वो पूरी तरह से इनका जीवन विवादों से दूर है, एक स्वच्छ छवि आपके साथ है, एक भी कोई भी मुकदमा नहीं है, कोई क्रिमिनल केस नहीं, कोई सिविल का भी केस नहीं है, और अधिवक्ता हैं, समाज सेवी के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, और ये पूरा ध्यान रखते हैं कि स्वयं को किसी भी तरह के विवाद से, किसी भी तरह के गलत कार्यों से स्वयं को दूर रखें। तो एक साफ़ सुथरी छवि के साथ क्षेत्र की सेवा करने का एक जज्बा आपके मन में है। उत्तम जी, आपने अपने क्षेत्र में काफ़ी समय दिया है, 6-7 वर्षों से आप वहाँ पर सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, और आपने बताया कि कोरोना संकट में भी आपने आगे बढ़कर लोगों की मदद की। वहाँ पर विकास की दृष्टि से अगर हम देखें तो आप क्या चैलेंजेज उस एरिया में पाते हैं, वहाँ की क्या समस्याएं हैं जिनको आप एक जनप्रतिनिधि के रूप में सामने आकर उन समस्याओं को आप दूर करने की एक मन में अपनी इच्छा रखते हैं? देखिए, यूँ तो जो प्रदेश की समस्याएं वही हमारे भी विधानसभा की समस्या हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारी विधानसभा की जो है, लखनऊ से बिल्कुल सटा हुआ हमारी विधानसभा है पूर्वा। एकदम सटी होने के बावजूद हमारी पूर्वा विधानसभा में कोई भी ऐसी रोजगार की कोई योजना, कोई विधायक या कोई सांसद आज तक नहीं ला पाए कि जिससे हमारे क्षेत्र के बच्चे अपने क्षेत्र में कोई रोजगार पा सकें। एक भी फैक्ट्री हमारी विधानसभा में नहीं है। ये बड़ी भारी समस्या है कि रोजगार के लिए हमारे बच्चे पलायन करके पंजाब, हरियाणा, गुजरात चले जाते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि कम से कम 8-10 फैक्ट्रियाँ अपने क्षेत्र में लाकर अपने क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार देना मेरी प्राथमिकता में रहेगा। दूसरा मेरे क्षेत्र की समस्या है, कोई भी ऐसा विद्यालय हमारी विधानसभा में नहीं है जिससे बच्चा पढ़ के निकले तो कैंपस में उसका सिलेक्शन हो और वो अच्छी जगह नौकरी कर सके। जितनी भी शिक्षा का जो ढांचा है पूर्वा विधानसभा का, वो बेहद पुराना है और बेहद कमज़ोर है। नई टेक्नोलॉजी, नई शिक्षा के जो स्रोत्र हैं वो अभी तक पूर्वा उससे वंचित है। मैं अब जनता मुझे इस बार मौका देने जा रही है, निश्चित तौर पर मैं ऐसे विद्यालयों का निर्माण वहाँ करवाऊँगा कि जिससे बच्चे अच्छी शिक्षा पा सकें और वो शिक्षा उनके रोज़गार देने लायक हो, ना कि बुनियादी शिक्षा तक ही सीमित रहें। तीसरी समस्या हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी है, हमारे यहाँ कच्ची शराब बड़ी मात्रा में शराब माफिया बनवाते हैं, और शराब माफिया जो कच्ची शराब बनवाने लिप्त रहते हैं, जो लोग बनाते हैं अक्सर उनके घर की महिलाएं पकड़ी जाती हैं और उनका थाने में अपमान होता है। और मेरा ये उद्देश्य रहेगा कि उन महिलाओं को सम्मान दिलाना एनजीओ के थ्रू, अपने निजी संसाधनों के थ्रू और तमाम सरकारी योजनाओं के थ्रू उनको रोज़गार से जोड़ूंगा, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम करूँगा, ताकि वो भी परिवार सामान्य जीवन जी सकें। जो पुलिस की प्रताड़ना और अपराध बोध उनके अंदर रहता है, उसको बाहर निकालकर मेरा प्रयास रहेगा कि उन महिलाओं को आने वाले समय में हमारे ज़िले के कलेक्टर की पत्नी, हमारे ज़िले के कप्तान की पत्नी जाके उनको माला पहनाएं और उनके अच्छे कार्यों के लिए उन्हें पुरस्कृत करें। देखिए, आपने गौर किया होगा कि आपने धरातल पर काम किया है, इसीलिए आपको वहाँ तक समस्याओं का अनुभव है, आपको जानकारी है कि आपके विधानसभा में क्या क्या जटिल मुद्दे हैं। सामान्य मुद्दे, बिजली, पानी, सड़क, रोज़गार, इसकी बात तो सभी कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये भी बताया कि क्षेत्र में अवैध शराब एक पारंपरिक रूप से एक पुरानी समस्या है, एक कुटीर उद्योग का भी रूप ले चुकी है, तमाम गरीब परिवारों की महिलाएं भी उससे जुड़ जाती हैं,
इस धंधे का फ़ायदा ज़रूर कुछ बड़े सफ़ेदपोश लोग उठाते हैं, लेकिन अक्सर गरीबों को मोहरे की तरह वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, उनसे काम करवाया जाता है और वही कानूनी कार्रवाई भी झेलते हैं, पुलिस की कार्रवाई भी झेलते हैं, कई बार दुर्व्यवहार और उत्पीड़न भी झेलते हैं। तो उन परिवारों का बेहतर पुनर्वास हो, उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाया जाए, रोज़गार, सम्मान और स्वाभिमान उनको दिया जाए, जिससे वो भी देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। तो वहाँ तक आपने सोचा है और वहाँ तक एक प्लान भी आपके पास है कि कैसे उस प्लान को, उस कार्ययोजना को धरातल पर उतार कर एक बदलाव लाना है। निश्चित तौर पर आपने काम किया है, इसीलिए इन सारे विषयों से आप जुड़े हुए हैं। एम्प्लॉयमेंट की आपने जहाँ तक बात की, लखनऊ एक बड़ा महानगर है जो कि आपकी विधानसभा के बिल्कुल निकट है। बावजूद इसके हमने देखा भी है कि कोरोना संकट में हमारे लाखों युवा बाहर से परेशान होकर आए, क्योंकि उन्हें रोज़गार आसपास नहीं मिलता है, उन्हें चंडीगढ़ जाना पड़ता है, मुंबई, दिल्ली जाना पड़ता है, तमाम अहमदाबाद और तमाम सूरत में, देश के तमाम बड़े शहरों में उन्हें जाना पड़ता है। तो क्या ये हमारे राजनीतिक समाज की या हमारी सरकारें जो भी रही हूँ अभी तक, उनकी एक विफलता नहीं है कि हम अपने जिला स्तर पर अपने ज़िले की जनसंख्या को, युवाओं को समुचित रोज़गार नहीं दे पाए? देखिए, सरकार से ज़्यादा ये स्थानीय विधायकों के लिए विफलता का कारण है। देखिए, कोई भी फैक्ट्री या कोई भी विद्यालय अगर क्षेत्र में आएगा तो स्थानीय विधायक के प्रयास से आसानी से आ सकता है। सरकारें तो एक बड़ी योजना देती हैं, जो अच्छे विधायक हैं, होशियार विधायक, वो योजनाओं को अपने क्षेत्र में ले जाते हैं। अपने निजी प्रयास से अगर कोई विधायक चाहे कुछ उद्योगपतियों संपर्क करे और संपर्क करके ये अनुरोध करे कि साहब आप हमारे फैक्ट्री लगाइए और आप फाइल बना के मुझे दे दीजिए, मैं शासन से आपकी फाइल करा के ला के दूँगा, आप केवल पूंजी लगाइए और मैं यहाँ पे आपको बिजली सरकारी योजनाओं के तुरंत दिलाऊँगा, आपको रोड आप बनवा के तुरंत दूंगा। मैं केवल, मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि आप जब आपकी फैक्ट्री खड़ी हो जाए, आपका कारोबार स्टार्ट हो, तो हमारे क्षेत्र के बच्चे लोकल लोगों को रोज़गार दें और उनके जीवन स्तर को उठाने का काम करें। तो विधायक अगर स्वयं चाहे तो ये योजनाएँ आ सकती हैं। सरकार हर विधानसभा में फैक्ट्री दे पाए ये संभव नहीं, लेकिन विधायक अगर स्वयं प्रयास करे तो 100% अपनी अपनी विधानसभाओं में फैक्ट्रियां ला के रोज़गार दे सकते हैं। और तमाम तरीके हैं रोज़गार देने के, एक विधायक के मन में एक चाहत होनी चाहिए। मेरे अंदर ये पीड़ा है, मैं देखता हूँ क्षेत्र के बच्चों के पढ़े लिखे हैं, 5,000-7,000 की नौकरी के लिए चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में भटकते हैं। मैं चाहता हूं कि उन्हें 10,000-20,000 की नौकरी यहीं अपने क्षेत्र में मिले और शाम को अपने परिवार के साथ मजे से दो रोटी खाएं और चैन से सोएं। बहुत बड़ी बात है और इसकी सराहना की जानी चाहिए कि आप उन दिशाओं में सोच रहे हैं जहां पर सामान्यतः लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, और जो बच्चे, जो नौजवान अपने बूढ़े माँ बाप को गाँव में छोड़कर बाहर जाते हैं, बहुत कम पैसे में फैक्ट्रियों में काम करते हैं और फिर वो अपने घर की भी मदद नहीं कर पाते, स्वयं की भी मदद नहीं कर पाते, उन्हें हमें ये देखना चाहिए कि उन्हें उनके घरों के आसपास, उनके गांव, उनके कम से कम उनके अपने ज़िले में उन्हें समुचित रोज़गार मिले। एक और विषय है कि खेती और किसानी जो है अभी भी हमारे देश की, हमारे प्रदेश की, और जाहिर सी बात है कि आप जिस विधानसभा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पूर्वा के भी अधिकांश परिवार खेती किसानी से अभी भी जुड़े हुए हैं। तो खेती किसानी में नई तकनीक का समावेश हो, खेती को कमर्शियल मेथड से जोड़ा जाए और खेती को लाभदायी बनाया जाए, इसको आप एक जनप्रतिनिधि का बनने का आपको अवसर मिलता है, तो इसको आप किस दिशा में देखते हैं, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच सक्रिय हैं और किसान अगर सशक्त होगा, खेती अगर अच्छी होगी, लाभदायी होगी, तभी एक बहुत बड़ी आबादी का भला हो पाएगा। निश्चित ही आपका सुझाव बेहद ही प्रशंसनीय है और मैं इस क्षेत्र में काफ़ी हद तक जो है काम कर चुका हूँ। आने वाले समय में जो भी हमारे बच्चे शिक्षित हैं और जो खेती किसानी से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए तमाम प्रयोगशालाएं लगाकर उनको नई टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा। तमाम कृषि विश्वविद्यालयों के बड़े प्रोफेसरों को ला के अपने यहाँ कार्यशाला कराऊँगा मैं, और उन किसानों को जो नई तकनीकी है कृषि की, उससे परिचित कराऊंगा, ताकि परंपरागत खेती जिससे करते करते वो नुकसान के सिवा कभी फ़ायदा नहीं पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जब नई तकनीकों का खेतों में उपयोग करेंगे, नई उन्नत बीजों का, उन्नत खादों का उपयोग करेंगे, तो निश्चित पैदावार बढ़ेगी, और जब पैदावार हमारे किसान की बढ़ेगी तो उसकी आय भी बढ़ेगी, अगर आय बढ़ेगी तो उसके जीवन स्तर भी ऊँचा जाएगा। ये निश्चित तौर पर अपने क्षेत्र के लिए मैं करूँगा और उन किसानों को आर्थिक सहायता भी चाहे किसी स्तर से दिलानी पड़े, जिनके पास खाद और बीज के पैसे भी नहीं होते, उन्हें बैंक कर्ज लेना पड़ता है। मैं कोशिश करूंगा कि हमारी विधानसभा कोई भी किसान कर्जदार न बने, चाहे बैंक का या साहूकार का,
उन्हें कैसे भी सुविधा देकर उनके जीवन स्तर को उठाया जाए। आर्थिक मदद कहाँ से करानी है मैं तय करूँगा, और कहाँ से लाऊँगा ये मेरी जिम्मेदारी है। उन्हें कर्ज से भी बचाना है और उनके जीवन स्तर को भी ऊपर उठाना है। उत्तम जी, आपने किसानों, नौजवानों सभी के लिए आपने एक रोड मैप अपने मन में बना रखा है, सभी के लिए एक कार्य योजना आपके पास है जिसे आप धरातल पर उतारना चाहते हैं। एक और समस्या होती है क्षेत्र में, अक्सर लोगों के तमाम विषय होते हैं पुलिस थानों से जुड़े और तहसील से जुड़े। थानों और तहसील पर फरियादियों की भीड़ रहती है, अक्सर दुर्व्यवहार की शिकायत आती है। गरीब आदमी जो है वो परेशान होता है, जाता है एक एप्लीकेशन किसी वकील साहब से लिखवाता है, वहाँ एप्लीकेशन लिखवाने के लिए भी उसके 100-200 रुपये खर्च होते हैं। फिर वो बड़ी मुश्किल से जब थाना या तहसील पर पहुँचता है, कोतवाल साहब के पास, SDM साहब के पास या बड़े अधिकारियों के पास, तो दर्जनों बार उसे चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसकी पीड़ा, उसकी समस्या दूर नहीं होती है। जबकि तमाम व्यवस्थाएं सरकार ने इसके लिए बना रखी हैं, लेकिन धरातल पर ये व्यवस्थाएं लागू नहीं हो पाती हैं क्योंकि संवेदनशील लोगों का अभाव है जो गरीबों का दर्द समझें। आपने किस तरह से इस समस्या का अनुभव किया है? आप भी लोगों से मिलते हैं, लोग आपको क्या बताते हैं? क्या क्षेत्र में सेवाएं मिल रही हैं अधिकारियों के द्वारा, समुचित लोगों के कार्य हो रहे हैं? और यदि नहीं हो रहे हैं तो आपकी क्या भूमिका होगी इसमें? देखिए, जनप्रतिनिधि अगर अपने क्षेत्र में ईमानदारी से काम करेगा और उसके लोग जो उसके साथ चलते हैं वो लोग ईमानदारी से अपने काम को अंजाम देंगे तो निश्चित तौर पर प्रशासन भी सही काम करेगा। लेकिन जब विधायक के लोग खुद लोगों के उत्पीड़न में लिप्त हो जाएं और वसूली में लग जाएं तो पुलिस और या अन्य प्रशासनिक कर्मचारियों को तो पूरा मौका मिल जाता है लूट करने का। तो सबसे पहले मैं खुद को पेश करूंगा ईमानदारी के तौर पे कि आज तक 5 साल हो गए, मेरे ऊपर किसी प्रकार का विधानसभा में कोई आरोप नहीं है, ना मेरे किसी कार्यकर्ता, मेरे सहयोगी के ऊपर किसी तरह का किसी के उत्पीड़न कोई आरोप है। मैं सत्ता पक्ष में 4.5 साल रहा हूं, लेकिन मैंने कभी भी किसी से 1 रुपये का रिश्वत न लेने काम किया, ना किसी को दिलाया, बेहद ईमानदारी से लोगों को काम किया। लेकिन बावजूद इसके ये करप्शन है, और ये करप्शन कैसे मिटेगा मेरी विधानसभा में, मैं इसे चैलेंज के रूप में लेता हूं। आपको 5 साल बाद इंटरव्यू दूंगा विधायक बनने के बाद कि कैसे मैंने इसको रोका। फिर आप खुद कहेंगे कि हाँ, आपकी विधानसभा में बहुत ही कम करप्शन हुआ। मेरे पास है योजनाएं, मैं हर थाने स्तर पे, हर ब्लॉक स्तर पे एक समन्वय कमेटी जिसमें सभी वर्ग के लोग, टीचर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पढ़े लिखे नौजवान, उनके कमेटी बनाऊंगा जो मौके पे ही लोगों के विवाद का निस्तारण करेंगे, 2 लोगों को विवाद थाने पे जाने से रोकेंगे, कोर्ट कचहरी में से जाने से रोकेंगे, और उन्हें बताएंगे कि अगर आज आपका बेटा ये विवाद करके 1 मुकदमा लिख गया, 2 मुकदमा लिख गया, तो कल इसी आपके बेटे को ना तो कोई पुलिस लाइसेंस मिलेगा, ना ठेकेदारी के लिए लाइसेंस मिलेगा, ना इसे कहीं नौकरी मिलेगी, इसे जीवन में आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे जिस दिन इस पर 2 मुकदमे लिख जाएंगे। उन्हें इससे अवगत कराना है अपने क्षेत्र के क्षेत्रवासियों को कि मुकदमे से आपका तो नुकसान जो होगा होगा, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी का, आपके बच्चों का विकास रुक जाएगा। और मैं इसमें काफ़ी सफल रहा हूं, लोगों को बताता हूं कि लड़ाई से कितने नुकसान है। तो लोग बचना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अभी राजनीतिक लोग लड़ाते हैं। जो पिछला बीज बोया हुआ है उसको धीरे धीरे समाप्त करने में समय लगेगा, लेकिन अगले 5 साल बाद निश्चित तौर पर ये फसल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और लोग ईमानदारी से लड़ाई झगड़े से दूर भागेंगे मेरी विधानसभा। आप सुन रहे होंगे तो आपको भी अच्छा लग रहा होगा। और कोई नेता ऐसा भी होता है जो ये चाहता है कि लोग लड़े ना, कोई नेता ऐसा भी है जो ये चाहता है कि लोगों को थाने जाना ही ना पड़े, तहसील में जाना ही ना पड़े, कागजी कार्रवाई में, एप्लीकेशंस पे उलझना ही ना पड़े। आमतौर पे तो नेता चाहते हैं कि उनके यहाँ खूब परेशान लोगों का दरबार लगा रहे, भीड़ लगी हो, 500 आदमी रोज़ सुबह उनके यहाँ अपने अपने कागज़ और एप्लीकेशन लेके उनके पैरों में गिरें और गिड़गिड़ाएं और कहें कि साहब फ़ोन कर दीजिए थाने पर, तहसील में हमारा काम हो जाए। लेकिन उत्तम जी ये चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में ये स्थितियाँ ही ना उत्पन्न हो, लोग आपस में ही बैठ के अपने विवादों को सुलझा लें, थानों पे जाना ना पड़े, तहसीलों में और मुकदमों में, कोर्ट कचहरी भी ना जाना पड़े, क्योंकि वहाँ एक तरफ तो आपका समय खराब होता है, आपका संसाधन, आपका धन खराब होता है, साथ ही साथ एक रिकॉर्ड भी खराब होता है, कई बार क्रिमिनल हिस्ट्री डेवलप हो जाती है जिससे आगे चल के समस्याएं होती हैं। तो एक जनप्रतिनिधि के रूप में एक पूरी कार्ययोजना है और लोगों के जीवन को सिर्फ भौतिक विकास ही नहीं, लोगों को सुख शांति मिले इसके लिए भी आपने काफ़ी कुछ सोच रखा है। आपने बीजेपी की विचारधारा से भी आपका जुड़ाव रहा और पिछला चुनाव आप बीजेपी से लड़े थे, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में क्या फ़र्क देखते हैं, कौन बेहतर होगा उत्तर प्रदेश के बेहतर भविष्य के लिए? हालांकि आप अखिलेश यादव के साथ आप पूरी ताकत से हैं, कई वर्षों से समाजवादी पार्टी की विचारधारा पर आप चल रहे हैं, फिर भी जनता से आप क्या कहेंगे,
जनता को आपका संदेश क्या है? मैं छात्र जीवन में खिलाड़ी भी रहा हूँ और एक खिलाड़ी के तौर पर हम लोग जब स्टेडियम में कैम्प करते थे या खेलते थे तो एक गिलास में मुस्लिम भी पानी पीता था, हिंदू भी पीता था, सिख भी था, सरदार भी पीता था। मैं उस कल्चर में पढ़ा बढ़ा हूँ जिसमें सबको ले के सबको साथ चलने की एक प्रेरणा बनी थी। लेकिन भाजपा ने इस जो सामाजिक संरचना को जो चोट पहुँचाई है, नुकसान पहुँचाई है वोट के लिए केवल, उससे मुझे बहुत पीड़ा है। और मुझे पूरी उम्मीद है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी इन सभी जाति सभी धर्मों को एक सूत्र में बांधेंगे और प्रदेश को विकास की ओर ले जाएंगे। ये घृणा की राजनीति हमेशा के लिए बंद होनी चाहिए। हम सब आपस में भाई हैं, हमारे भाईचारे में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जिस दिन भाईचारा ही नहीं रहेगा ना प्रदेश रहेगा ना देश रहेगा। इसलिए हम सबको मिलके इस मजबूत लोकतंत्र के लिए ये जो हिंदू मुस्लिम और भारत पाकिस्तान और ये सब का कार्ड है ये बंद होना चाहिए। मुद्दों पे बात होनी चाहिए, भुखमरी पे बात होनी चाहिए, शिक्षा पे बात होनी चाहिए, चिकित्सा पे बात होनी चाहिए, कैसे हम तरक्की करें, दुनिया को हम कैसे पिछाड़े। आज जापान अमेरिका और चाइना हमसे सब आगे जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के दम पर, हम आज भी वही पुराने हिंदू मुस्लिम और जो है भारत पाकिस्तान चाइना में लिपटे हुए हैं। निश्चित अगर हमको आगे बढ़ना है तो इन सब कुरीतियों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। हमें सिर्फ आगे बढ़ने के लिए नई टेक्नोलॉजी और आपसी भाईचारा, जब देश में आपसी बंधुत्व होगा तभी हम विकास करेंगे। हम एक दूसरे को पीछे पछाड़ने में अपने घर में लगे रहेंगे तो हम दुनिया से कैसे कंपटीशन कर पाएंगे। अगर हमें आगे बढ़ना है तो अखिलेश जी की जो नीतियाँ हैं मुझे योगी जी से ज़्यादा बेहतर लगती हैं और निश्चित तौर पर आने वाले समय में अखिलेश जी ने जो पिछली सरकार में काम किए थे उससे बेहतर काम करके देंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। इन्हीं उनकी अच्छाइयों को देखते हुए मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया है और भविष्य में उनके साथ काम करता रहूँगा। तो आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं, कभी बीजेपी को आपने पसंद किया था लेकिन आपने वहाँ रहने के बाद यह अध्ययन किया, जब आपने कंपेयर किया अखिलेश के काम और योगी आदित्यनाथ के काम की, जब आपने तुलना की तो इन्हें ये आभास हुआ कि अखिलेश यादव का काम उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बेहतर है और अखिलेश यादव के साथ अब ये अपना शेष जीवन, आगे का जीवन अखिलेश यादव के साथ उनकी नीतियों पर, सपा की नीतियों पर बिताना चाहते हैं और उन्नाव के विकास के लिए, अपनी विधानसभा के विकास के लिए एक मौका चाहते हैं जनता से। जनता को फैसला लेना है और आपकी पार्टी को भी फैसला लेना है, लेकिन एक बेहतर बात आपके ज़रूर आपने अपने सामने रखी है, लोगों के सामने रखी है कि लोगों को एकजुट होकर ये देखना होगा कि हम अपने देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, दुनिया के अन्य देशों की प्रतिस्पर्धा में हम कहाँ खड़े हैं, हमारे यहाँ समाज के विकास के लिए, मनुष्यों के लिए, लोगों के लिए, हमारी जनता के लिए जो सुविधाएं हैं उनका स्तर क्या है, शिक्षा, रोजगार, इन सारे विषयों पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है और ज़रूर जनता इन विषयों का भी ध्यान रखेगी। राजनीति में, लोकतंत्र में चुनाव एक उत्सव है, ये उत्सव निकट आ रहा है और आम जनता को एक मौका है कि वो अपने लिए अच्छे प्रतिनिधियों का चुनाव करे, फिर हम किसी नए प्रत्याशी, किसी नए नेता, किसी दूसरे दावेदार से आपकी मुलाकात कराएंगे और उनकी नीतियाँ, उनकी बात, उनके मुद्दों को आपके सामने रखेंगे जिससे एक बेहतर निर्णय आप ले सकें कि आपके लिए कौन बेहतर होगा। द इंडियन ओपिनियन के लिए उन्नाव की पूर्वा विधानसभा से दीपक मिश्रा।